जाके जब पता किया कि 7 गांव में से 3 गांव ऑलरेडी समंदर के अंदर समंदर खा चुकी है। आप जो बात बोले सही बोले, आज उत्तराखंड हुआ, 1 महीने के बाद भूल जाएंगे। अब टॉप बट है आपका ग्लेशियर हिमालय और दूसरा है नदी, ये 2 चीज को मत टच करो, बाकी जो करना है कर लो। जब कोविड आया 1 साल तक कान मोड़ के आपको घर पे रख दिया, तब आपको महसूस हुआ कि दिल्ली की हवा परिवर्तन हो गई है, बम्बई में बर्ड्स निकल रहे हैं, वेनिस में मछलियां आ रहे हैं, कलयुग आएगा और जगन्नाथ मंदिर के अंदर पानी जाएगा, मिडिल ईस्ट में वार होगा, आज वो स्थिति हो रही है। हमारे साथ हैं आज पद्मश्री नील माधव पांडा, फिल्म निर्देशक हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ क्यों हैं उसकी एक बड़ी वजह है उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है। नील माधव पांडा अपनी फिल्मों के जरिए ये सामाजिक मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे एजुकेशन का हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इन मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से पर्दे पर उठाते हैं और बड़े अच्छी कहानियां कहते हैं। इनकी एक फिल्म है जो इस साल इफी में भी दिखाई गई, कलेरा अतीत, जिसका मतलब है यस्टरडेज पास्ट, और वो कुछ इसी तरह की त्रासदी के बारे में है जो उत्तराखंड में हाल ही में हुई है। वो इस बारे में है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है, अगर आप उससे खेलेंगे, अगर आप प्रकृति से खेलेंगे, अगर आप नेचर से खेलेंगे, तो नेचर लौट कर आएगी और जवाब देगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नील माधव पांडा। ऐसे मौके पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि आपकी रिसर्च भी बड़ी है और आप आम आदमी के लिए कहानियां कहते हैं बड़े पर्दे पर बड़े बड़े मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड में घटना हुई और जो आपकी फिल्म है, जो बहुत मशहूर फिल्म है, जिसको मुझे लगता है बहुत सारे अवार्ड भी मिलने वाले हैं और हर कोई देखने वाला है, उड़िया फिल्म है लेकिन हर किसी को देखनी चाहिए, कलेरा अतीत Yesterday's Past। शुरू करते हैं कलेरा अतीत से, किस बारे में है ये फिल्म? कलेरा अतीत एक फिल्म है जो मैं लास्ट 13-14 साल से एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था। एक हमारे यहाँ पे इलाका है कॉल सदभा इन केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें जब मैं 2006 में फेलोशिप मिला था मुझे यूके हाई कमीशन से, एक एनवायरमेंट फिल्म फेलोशिप, तो उसमें जब मैं डिस्कवर किया, एक अखबार में एक फोटो निकली थी, एक हैंडपंप समंदर के अंदर खड़ी है, तो इट वॉज अ स्टनिंग इमेज। जाके जब पता किया कि 7 गांव में से 3 गांव ऑलरेडी समंदर के अंदर समंदर खा चुकी है, और इसकी जो लिंक है ना, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आज जो उत्तराखंड में हुआ। जब मैंने रिसर्च किया, पता चला, साइंटिस्ट वगैरह ने कहा कि ये सी लेवल राइज है ड्यू टू टेम्परेचर राइज इन द सी और टेम्परेचर राइज इन द ग्लेशियर, तो ग्लेशियर इज मेल्टिंग, जिसके वजह से समंदर की पानी बढ़ रही है और धीरे 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 वो गांव को खा रही है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बे ऑफ बंगाल में। तो उसको डिस्कवर करते 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 13 साल जब मैंने कवर किया, आज 2021 में वहां पे एक भी गांव नहीं है, एक भी घर नहीं है। आपको सिर्फ कुछ घरों की टूटा हुआ घर, कुछ हैंडपंप आपको समंदर के अंदर मिलेंगे। अब इसकी लिंक क्या है, जब आपको याद होगा 2015 में जब क्लाइमेट समिट हुआ था, क्लाइमेट एग्रीमेंट पेरिस में हुआ था, वहां पे एक बहुत बड़ी मुद्दा निकली थी कि अगले बाय द एंड ऑफ सेंचुरी हिमालय विल हैव इंक्रीज ऑफ 1.8 डिग्री टेम्परेचर, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, दे वॉन्ड अबाउट ग्लेशियर मेल्टिंग। जबकि बहुत सारे मुद्दे निकले, साइंटिस्ट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट किए कि हिमालय में आइस मेल्टिंग नहीं हो रही है, वो अंटार्कटिका में हो रहा होगा, बट आज आपको वो चीज दिखाई दिया। तो मेरी ये जो फिल्म है, दिस इज फ्यूचर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे एक 2016 सेंचुरी पोएट थे उड़ीसा के, अजिदानंद दास, तो उन्होंने तभी कहा था कि कलयुग आएगा और जगन्नाथ मंदिर के अंदर पानी जाएगा, मिडिल ईस्ट में वार होगा, आज वो स्थिति हो रही है। तो ये कोई जस्ट प्रेडिक्शन नहीं है, ये हम करे हैं। और इस चीज को मेरी जो सिनेमा कहती है कि ये जो वार्निंग देती है मेरी सिनेमा, अरे हर सिनेमा देखिए, चाहे कड़वी हवा हो, कौन कितने पानी हो, कौन कितने पानी में, वाज ऑल अबाउट वार ऑन वाटर। ओके, तो हम पहले से उस सिनेमा को बना के बोलना चाहता हूं, बट हमको क्या लगता है, अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, शायद और किसी के साथ, अब सामने ये दिख रहा है दिल्ली की जो हालत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब लॉकडाउन हुआ, सॉरी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नील, और ये इतनी ऑब्वियस है कि थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे, आपने अपनी फिल्म के लिए किया और आपने मुझे ये बातें बताई कि वहां पे समिट हुई और वहां पर ये हुआ कि ग्लेशियर टूट सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो रहा है, लोग मर रहे हैं। हमने परसों देखा, 3 दिन पहले देखा कि जो भी उत्तराखंड में हुआ वो बहुत ज्यादा डराने वाला है और ये हमारे साथ बिल्कुल हम तक पहुंच गया है। पानी, हम जिसको कहते हैं ना, पानी हमारे घर में घुसा है, बिल्कुल वैसा हो रहा है।
लेकिन एज अ सोसाइटी हम किन चीजों में उलझे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बेकार के इश्यूज हैं, जो जो जिनसे हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जो सही बात है उसमें हम एज अ सोसाइटी इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते? वजह क्या है, क्यों हम आप जो फिल्में बनाते हैं उनको कह देते हैं कि नहीं यार ये तो मेन स्ट्रीम नहीं है, हमें तो वो मारधार रोमांस पसंद है, हम ये फिल्में नहीं देखेंगे, जबकि हमारी जो जो ताल्लुक है, जो सरोकार है, वो तो इन इश्यूज से है जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो सोसाइटी क्यों नहीं इंटरेस्ट होती, क्या तरीका है कि समाज को चलाया जाए? फिल्में तो ऐसे ही एनवायरमेंट के ऊपर कोई बनाता नहीं है, क्योंकि वो किताबों की बात रह जाती है या पॉलिसी के मैटर के हिसाब से रह जाती है, जबकि वो आपकी सबसे बड़ा प्राधान्य होना चाहिए जीवन में। अभी जिस स्थिति है सबसे बड़ी, आप देखिए आपको अभी कान मोड़ने वाला भी आया, जब कोविड आया एक साल तक कान मोड़ के आपको घर पे रख दिया, तब आपको महसूस हुआ कि दिल्ली की हवा परिवर्तन हो गई है, बम्बई में बर्ड्स निकल रहे हैं, वेनिस में मछली आ रहे हैं, तब भी आपकी बदलाव नहीं आया। यू बैक टू द रूट अगेन। अभी दिल्ली के लास्ट एक महीने की आप वेदर देखिए, दिल्ली पोल्यूशन इज हाई अगेन। तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हर कोई, आप देखिए वहां पे लियोनार्डो जैसे काम कर रहे, ठीक है, यहां पे भी अभी जब तक हम इसको एक अपना नहीं बना लेंगे, आप जैसे पुलिस की फिल्म देखते हो आपको एक कॉन्शियसनेस पैदा होती है, आप सी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज आई थिंक एनवायरमेंटल फिल्म इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ ना, दैट आपको एनवायरमेंट के ऊपर जागरूक रहना, बातें करना, इट शुड बी योर डे टू डे हैबिट, देन ओनली हम ये बदलाव ला सकते हैं। सही बात कही आपने। और अब अगर हम लौट के उत्तराखंड पर आए, तो चाहे उत्तराखंड में की त्रासदी हो या आपकी फिल्म में जो त्रासदी होती है, जो कि उड़िया के उड़ीसा के गांव के बारे में है, क्या इसको जैसे पिछले दो दिन से सारे समाचारों में, अखबारों में, न्यूज चैनल्स में कहा जा रहा है कि ये जो हुआ ये नेचुरल डिजास्टर है, आप इसको नेचुरल डिजास्टर मानेंगे? ये मैनमेड नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि ये हमने किया है। देखिए दो चीजें हमेशा हमारे विज्ञान लोग कहते थे कि दो जगह नहीं टच करना बेटा, आपकी जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में भी सर पे और पैर पे, वैसे ही आप टॉप बट है आपका ग्लेशियर हिमालय और दूसरा है नदी, ये दो चीज को मत टच करो, बाकी जो करना है कर लो। हम ह्यूमन रेस में क्या है, इतने फास्ट एग्रेसिव डेवलपमेंट चाहते हैं हम और कुछ नहीं मानते, और इसमें कोई सरकार किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारी वो स्टेबिलिटी है, ह्यूमन स्टेबिलिटी नहीं है कि कितना नीड है और कितना नीड के हिसाब से जाएंगे, हमारी नीड अभी नहीं, हमारी इच्छाओं की शक्ति में बढ़ रही है, नीड बढ़ाते जा रहे हैं, और ये पूरा जो हिमालय में हुआ ये प्योरली ह्यूमन डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमने किया है। तो सवाल ये है कि हमें एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री डेवलप भी तो करना है, तो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट इश्यू साथ एक साथ कैसे चले? विकास तो आगे जाना ही है, देश भी आगे बढ़ेगा, दुनिया भी आगे बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ी रही है, तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट कैसे साथ लेकर चले, क्या कैसे हो सकता है, वो कौन सा बीच का रास्ता होगा? नहीं, डेफिनेटली सी देयर आर लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग, एंड सब बताऊं तो भारत सरकार की एफर्ट में आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्शियस एनवायरमेंटल एफर्ट व्हिच इज हैपनिंग। मैं जैसे कहा कि कोई सरकार को आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, कोई पेरिस एग्रीमेंट कुछ नहीं कर सकता, इट इज मी, आई हैव टू चेंज, ओके, सो आई एम मोर ऑफ अ मैनकाइंड ह्यूमन एक्टिविस्ट देन सो कॉल्ड समाज को जाके सुधारना नहीं, मैं मेरे परिवर्तन क्या लाऊंगा, वो परिवर्तन ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, हमको इंडस्ट्री चाहिए, हमको बैरेज चाहिए, सब बहुत जरूरी चीज है, उसको कॉन्शियसली कैसे करेंगे ये मुद्दा ढूंढना है लोगों में। जैसे छोटी सी बात, जैसे दिल्ली की बात होती है, हम क्या बोलते हैं, भैया घर में चार गाड़ी मत रखो, एक गाड़ी रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, इतनी छोटी सी तो चेंज की बात कर रहे हैं। आप लॉकडाउन हुआ तो घर पे बैठे कुछ फर्क पड़ा क्या आपके काम के, फिर भी तो चली जुग में, तो कई सारे चीजें हम कंटेम्पररी वर्ल्ड में वेयर द क्लाइमेट इज चेंजिंग, वार्मिंग द एनवायरमेंट इज वार्मिंग अप, वी कैन डू सर्टन स्मॉलर चेंजेस इन आवर लाइफ व्हिच कैन यील्ड लॉट ऑफ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल ग्रोथ। बिल्कुल। तो मैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब जो जो कह रहे हैं,
कालिरा अतीत फिल्म जिन नई आ रही है नील माधव पांडा की, आई एम कलाम बना चुके हैं, इनको 30 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनल, कड़वी हवा भी बना चुके हैं, ये सब कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से अटैच थी। पद्मश्री दिया गया, नील माधव पांडा को नेशनल अवार्ड दिया गया, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इनको हल्के में, ये जो कह रहे हैं इन सारे दर्शकों को ये बात माननी चाहिए, और इसलिए भी माननी चाहिए कि जब कालिरा अतीत जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो जब खत्म होती है तो उसके आखिर में एक संदेश आता है कि ये, क्योंकि वो उड़ीसा के गांव की कहानी है जो पानी में डूब गया है, और आखिर में एक संदेश आता है कि ये तो ड्रेस रिहर्सल है, ये 2050 तक आते आते मुंबई, बैंकॉक और शंघाई जैसे शहर जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे। ये बहुत डराने वाला है नील, ये किस आधार पर है, क्या ऐसा वाकई खतरा है कि मुंबई डूब जाएगी पानी के अंदर? देखिए, जो डेफिनेटली आप देखिएगा मुंबई की अभी जो कोस्ट लाइन डेवलपमेंट भी हो रही है वो बिकॉज ऑफ दे प्रेडिक्ट सर्टन साइंटिफिक प्रेडिक्शंस ओनली, ये मेरी या कोई महापुरुष की प्रेडिक्शंस नहीं है। आप ठीक है, बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा लो कॉर्नर पे जो है वो उड़ीसा को आप देख लिए, ड्रेसिशल एग्जाम्पल देख लिए, सिमिलरली बैंकॉक की यही फ्यूचर है। ठीक है, आप जैसे अभी देखिए यूएस ने इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस किया, सिमिलरली भारत सरकार भी कर रहे हैं। इसमें मुद्दा क्या है, जो हमारी जो बातें उठती है कि हम एक्टिविज्म ये सब बातें करते हैं, सबसे बड़ी बात है आप, मेरी एक तरीका है, मैं हमेशा सरकार के साथ रह के सरकार के सुझाव में सरकार के तरीके पे सिनेमा आता लाता हूं, ताकि लोग जो वोट दिए हैं सरकार के साथ, जो लोग सरकार के साथ है और जो हम आम जनता जीते हैं वो 5 साल वोट देके, आपको एक सबसे बड़ी बात है ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी सिचुएशन है इसमें मैं जो प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें आप कैसे विद इन दिस सिस्टम आप ग्रोथ लाएंगे। अभी देखेंगे 3-4 इंटरेस्टिंग पॉलिसी जो भारत सरकार में आई, ठीक है, क्लाइमेट को लेके, यू नो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसी इन एनी कंट्री। ओके, जो अमेरिका में हुआ, जो बाइडेन आए, अभी आप देखेंगे यस्टरडे आई थिंक दे हैड मेड अ क्लाइमेट इमरजेंसी पॉलिसी। ओके, अभी आपका आई थिंक COP26 इज कमिंग इन ग्लासगो दिस ईयर, ओके, लंडन में जो पिछले साल होना था। आई थिंक ऑल दिस एफर्ट टुगेदर, सी अभी आप बदला नहीं सकते क्लाइमेट को और बदला नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते जो स्टेट पे है आप इसको इसी में रोक सकते हैं बाय पुटिंग ईच अदर्स एफर्ट। अदरवाइज सी ऑलरेडी आइस इज मेल्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेम्परेचर इज राइजिंग, इसकी जो फास्टर ग्रोथ है इसको आप थोड़ा सा स्टेबिलाइज कर सकते हैं, जिसका जो बात कर रहे थे आप 2015 पेरिस एग्रीमेंट में कि जैसे ग्लेशियर मेल्ट होगा तो आपकी रिवर डिस्टेबिलाइज हो जाएगा, रिवर डिस्टेबिलाइज होने से आपकी बाढ़ बढ़ेगी, बाढ़ होगी फिर पानी जाके कहां समंदर जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा अगर ग्लेशियर मेल्ट हुआ, सी लेवल राइज हुआ, तो डेफिनेटली इट इज ऑब्वियस दैट दिस सिटीज विल गो अंडर वाटर। जाहिर है समंदर के तट पर हैं तो खतरा तो लगातार बना हुआ ही है। और जब भी कोई हादसा होता है, जो उत्तराखंड में हुआ, इससे पहले भी साइक्लोन्स आए हैं उड़ीसा में भी, जब भी हादसा होता है तो कुछ वक्त के लिए हम डर जाते हैं, मीटिंग होती हैं, बातें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। ये मामला, ये प्रॉब्लम पॉलिटिक्स की है क्या हमारी या दुनिया भर की? क्योंकि जब होता है तो हम बस कहते हैं हम कुछ करेंगे और फिर आम आदमी अपनी जिंदगी में खो जाता है और इन सब चीजों से दूर हो जाता है। देखिए, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट समथिंग, आई मीन आप इंसान को नहीं बदला सकते, आप ये चीजें जो है, जैसे आपकी बीमारी भी होती है, आप बीमार हुए फिर मेडिसिन खा लिए, दवा खा लिए, उसके बाद फिर अगले दिन, जैसे आप कोई किसी को एसिडिटी हुआ है, बीमार हुआ, अगले दिन फिर वही दुनिया भर के खाना खाकर फिर एसिडिटी होती है। तो ह्यूमन हैबिट को जो है, मैं जो बोलता हूँ कि मेरे फिल्मों की जो आधार होती है वो है बिहेवियरल चेंजेस, और बिहेवियरल चेंजेस आप ओवरनाइट नहीं ला सकते, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। ओके, और भारत में ऐसे कई सारी चीजें बदला है, चाहे वो पोलियो की बात करें या टॉयलेट की बात करें, सैनिटेशन की बात करें। अब देखिए सडनली इतने सालों के बाद भारत सरकार कितने एफर्ट, लास्ट 20 साल से एफर्ट किया था कि टॉयलेट लगेगा, हैंड क्लीन करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, आज जाके एक जगह पे पहुंचा है। तो इसमें मैं कहूंगा कि, और दूसरी बात जहां सरकार की बात करेंगे, सरकार के लिए आज ये प्रायोरिटी है तो कल और कुछ प्रायोरिटी है। इतना बड़ा देश जो भी चलाते हैं, इतने आसान नहीं है कि आप कोई एक मुद्दा को पकड़ के जाएंगे। वी हैव टू फाइंड दैट बैलेंस इन बिटवीन ईच अदर, हाउ वी कैन टेक इट फॉर द, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। आपका
बिहेवियरल चेंजेस एक ऐसा चीज है ह्यूमन लाइफ में, इट्स वेरी टफ, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्रिगर इन योर माइंड, देन ओनली द चेंज विल हैपन। आप जो बात बोले सही बोले, आज उत्तराखंड हुआ, एक महीने के बाद भूल जाएंगे। आप देखिए दिवाली में, हर दिवाली के टाइम में दिल्ली में इतने अफवाहें होती है कि पोल्यूशन में ये हो गया, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, मर रहे हैं, ये हो रहा है, सब हो रहा है, फिर अगले दिवाली में फिर वही पोल्यूशन, क्या बदलाव रहा है? मतलब हम लगातार खेल रहे हैं प्रकृति से, मतलब ये हम खुद अपने ऊपर खेल रहे हैं। और आपने जो कहा वो बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि सर और पैर का बड़ा ध्यान रखना है, उनसे नहीं खेलना है, वहां चोट लगेगी तो खतरनाक होगा। तो कालेरा अतीत कब और कैसे हर सब लोग देख सकते हैं, कहां पर? अभी हमारी अनाउंसमेंट आ रही है, पहले प्राग में हम वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं और हम जनरल कैटेगरी में अभी ऑस्कर में भी अप्लाई किए हैं, तो उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी शायद इस महीने में। तो वी आर होपिंग एक बार फेस्टिवल घूम के आ जाएगा, फिर मार्च में हम थिएट्रिकल रिलीज करेंगे ऑल इंडिया। ये शायद पहला उड़िया फिल्म होगा कि हम ऑल इंडिया पूरा रिलीज का प्लान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि ये इसको आप उड़िया फिल्म मत कहिए, मेरी नजर में ये यूनिवर्सल फिल्म है। क्योंकि जहां जहां जज्बात असली और जहां खतरा असली है ना, वो फिर भाषा की उसमें कोई दीवारें रहती नहीं है। मुझे लगता है ये भाषा की दीवारें टूटे और मार्च तक मुझे लगता है ये कोरोना वाला डर भी खत्म हो जाएगा जो थोड़ा बहुत बचा है। हम सब थिएटर में देखेंगे, बहुत शुभकामनाएं आपको, और मुझे लगता है कि सारे अवार्ड जीते जैसे आपकी फिल्में जीती रही हैं नील, और हम एक बार फिर रूबरू बैठेंगे, जूम पे नहीं बैठेंगे अगली बार इंशाल्लाह। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।